गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को क्लास टेंथ सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.3 बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में आपको सम निकालना है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ टर्म्स का, दिए गए टर्म्स का सम निकालना है। तो इसमें इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, दो यहाँ लिखा हुआ है, SN इज इक्वल टू n/2 × a+l। SN इज इक्वल टू n/2 a+l। n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म, l लास्ट टर्म है। अगर आपको सीधे डायरेक्टली l नहीं मालूम हो, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कौन सा सूटेबल होगा, जो फॉर्मूला सूटेबल होगा उस फॉर्मूला का यूज कर बनाइएगा। अब चलते हैं, हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, थ्री सब क्वेश्चंस है इसमें, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन यह दिया हुआ, फाइंड द सम ऑफ एन एपी व्हिच टर्म्स आर 2, 7, 12, 2 up to 10 टर्म्स। 10 टर्म्स है तो आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले फॉर्म गिवन एपी आप निकाल लो, ए डी एन जो जो भी पॉसिबल है। तो फॉर्म गिवन एपी हम फर्स्ट टर्म मिल गया हमको, ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 - 2 = 5, और एन आपको 10 है। यू हैव टू फाइंड सम टू एन टर्म्स, मीन्स एन इज इक्वल टू 10। इतना हमको मिल गया एपी से, तो हम अब कैलकुलेट कर लेंगे इजीली यूजिंग दिस फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म नहीं मालूम, तो लास्ट टर्म मालूम है तो तब हम भी यूज कर सकते थे। तो आप चलिए SN यूजिंग दिस फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू 10 मीन्स S10 इज इक्वल टू 10 - 1 × 5 = 4 हो गया आपको +9 × 5, यह आ जाएगा 9 × 5 = 45 + 4 = 49 आ गया, 9 × 5 = 45 यहाँ हो गया आपको 4 करिए और 5 + 20 = 4, 24, 245 आंसर हो गया आपका 245। ठीक है, नेक्स्ट
Question number two. Question number two. Question number two में आपको AP दिया हुआ है, find sum करना है, 7. Question number two, इसमें भी 3 question है, 3 question है, sub question. तो 2 का 1 है, 2 का 1 में AP है 7, 10, 21 by 2, plus 14, plus 17.1 by 2, plus dot dot dot. प्लस 54 पहला क्वेश्चन और इसमें देखिए थोड़ा सा आपको डिफरेंट है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ था इसमें नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ नहीं हुआ लास्ट टर्म दिया हुआ है तो सम निकालने के लिए आप फॉर्मूला ऑब्जर्व करोगे तो क्या चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए चाहिए कॉमन डिफरेंस चाहिए तो आपको फर्म गिवन है पी फर्स्ट टर्म तो मालूम हो इजली हो जाएगा ये कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा सेकंड में फर्स्ट को और एन नहीं मालूम है उसको एन टू कैलकुलेट एन यू हैव टू डू सम मोर यूजिंग इनर टर्म के फॉर्मूला से अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं गिवन ए इक्वल टू 7 सॉल्यूशन है ए इक्वल टू 7 बी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3.1 बाई 2 मीन्स 7 बाई 2 आ गया 7 बाई 2 तो डी मिल गया आपको ए मिल गया अब एक चीज और है एन बाकी है तो आपको लास्ट टर्म मालूम है लास्ट टर्म एन टर्म 84 लास्ट टर्म को हम एन से भी डिनोट करते हैं एन से भी डिनोट करते हैं तो एन आपको मालूम है 84 है और इसमें हम फॉर्मूला साइड लिख देंगे एन इसका पिछले एक्सरसाइज में याद होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी इज इक्वल टू 84 ये आपका 7 हो गया या माइनस वन इंटू 7 बाई 2 84 अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो एन माइनस वन 7 बाई 2 हो 7 को ट्रांसपोज कीजिएगा राइट साइड में हम ट्रांसपोज 7 टू राइट 7 एन माइनस 1 77 आपको मिलेगा 2 को इस साइड ले जाएगा यहाँ आ जाएगा और 7 डिनोमिनेटर में तो आपको हो जाएगा 11 से 22 हो गया एन माइनस 1 तो यन आपको मिल गया 22 और प्लस 1 इज इक्वल टू 23 तो आपको यन भी मिल गया ये मिल गया बी मिला यन भी मिल गया अब आप सम निकालोगे तो सम निकालते हैं फॉर्मूलाइज करेंगे एस एम का ये वाला एस एम एस 23 मिटा कर ही बता देते हैं ऐसे यहाँ तक आप समझ गए होगा तो हम फॉर्मूलाइज करते हैं इसका S23 बाई 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 फर्स्ट टर्म प्लस आप इसका भी यूज कर सकते हैं इसका यूज कीजिए छोटा हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगा ये वाला ये मालूम है ये उसका हो गया आपको ए प्लस एल
A plus L means L, L is equal to An. An को nth term को हम last term दिखाते हैं, तो इसको भी हम directly use कर सकते हैं. तो आप इसका use करके आप बना सकते हो. तो यहाँ गया ये 8, 7 plus 34. 7 plus 34, 23 by 2 into 91. ठीक है, अब क्या कीजिए, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 91 से 23 को. 91 into 23 into 91, 23. और 91 जा 23 हो गया, ये हो गया 207 3 1 0 9 हो गया. पर ठीक, तो आप क्या करोगे यहाँ पर 2093/2 डिवाइड कर दीजिए 210/24, ये आंसर आपको मिल गया. फिनिश. ठीक है, तो इस तरह से आप ये मिल गया क्वेश्चन नंबर 2 को. आप बाकी क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन आप इसी तरह से सॉल्व करोगे. अब नेक्स्ट चलना है आपको क्वेश्चन नंबर 3, 2 हो गया आपको, अब आना है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चंस है, कुछ कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है, रिमेनिंग आपको निकालना है. तो उसमें से कुछ हम बता देते हैं इसमें भी सिंपल क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर थ्री में सम निकालना, जिसमें गिवन है पहला क्वेश्चन है ए इज कल टू फाइव डी इज कल टू 3 ए एन इज कल टू 50 एंड एन एफ 50 फाइंड क्या करना है आपको, एल एंड एस एन दो चीज निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है. तो आप क्या करोगे, तो एस एन निकालने के लिए तो आपको एस एन निकालने के लिए टू फाइंड एस एन यू मस्ट नो नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस. तो फर्स्ट टर्म तो आपको मालूम है, डी मालूम है, एन मालूम करना पड़ेगा. तो यूजिंग एन एफ टर्म फॉर्मूला ऑफ एन एफ टर्म, नाउ एन इज इक्वल टू 50. तो आप चलिए यहाँ पर हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी 50. ठीक है, ये हो गया 5 एन माइनस वन और डी 3 50. एन माइनस वन इंटू 3 50 माइनस 5 एन माइनस वन 55 हो गया बाई 3 15. तो ये आपका आ गया 15 प्लस 1 16 हो गया, एन का मान 16 हो गया.
ठीक है, अब आप एस एन निकाल लीजिए, एस एन एस एन इज इक्वल टू एन वाई टू, एन वाई टू इसको भी यूज कर सकते, इसको भी यूज कर सकते, इसको भी यूज कर सकते हो, एन वाई टू ए प्लस एन, यहाँ पर ये जो है एन भी है, इसको आपको एन भी कर सकते हो, फिफ्टी तो उसका भी यूज कर सकते हो, तो सिक्सटीन बाई टू फाइव प्लस फाइव प्लस फिफ्टी, यहाँ एट हो गया, हो गया फिफ्टी फाइव, एट फाइव या फोर्टी, एट फाइव या फोर्टी फोर, फोर्टी जीरो कैरी फोर, एट फाइव या फोर्टी फोर, फोर्टी फोर फोर्टी चालीस चालीस, ऐसा आपको मिल गया, ये आपको मिल गया, एक आंसर यहाँ हो गया, एक आंसर यहाँ हो गया, बहुत आराम से बना सकते हो, इजी है, ठीक है। तो आपका है क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट है, ठीक है। क्वेश्चन थ्री फर्स्ट में दिया हुआ, डी दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, एन और एस एन निकालना है यूजिंग फार्मूला ऑफ एन एक्टर, एन एक्टर के फार्मूला यूज किए, उससे आपको एन मिल गया, एन से आपको एस एन मतलब एस सिक्सटीन आपको मिल गया, एस सिक्सटीन फिनिश हो गया। तो अब इसी में हम देखते हैं कुछ अलग अलग रखा है दो क्वेश्चन, बता देते हैं, देखिए ये क्वेश्चन फोर बताते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री का भी फोर, क्वेश्चन थ्री सब क्वेश्चन फोर है, सब क्वेश्चन फोर में आपको थर्ड टर्म दिया हुआ है, गिवन गिवन ए थ्री फिफ्टीन, ए थ्री फिफ्टीन है, एस टेन दिया हुआ है, एस टेन सम ऑफ टेन टर्म्स 125 दिया हुआ है, आपको फाइंड क्या करना है, निकालना है, आपको निकालना है डी एंड ए टेन, डी एंड टेंथ टर्म कॉमन डिफरेंस है, सम ऑफ टेन टर्म्स आपको निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, तो चलिए बढ़ते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन में आपको ये है गिवन थर्ड टर्म फिफ्टीन यूजिंग फार्मूला इनर टर्म, इनर टर्म आपको मालूम है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू फिफ्टीन, दिस इंप्लाइज हो गया आपको ए हो गया, ए नहीं मालूम है और एन, यहाँ देखिए थर्ड टर्म, तो यहाँ एन एन इज इक्वल टू थ्री हो गया, ए थ्री मीन्स हाँ ए थ्री मीन्स एन इज इक्वल टू थ्री, ए थ्री मतलब एन इज इक्वल टू थ्री, फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस मालूम नहीं है, तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो हो गया ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी इक्वल टू फिफ्टीन, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका हो गया ये टू डी फिफ्टी, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर, अब एस टेन से ना एस एस टेन, अब आपको एस टेन दिया हुआ है 125, इसमें भी फॉर्मूला लगाई है एन बाई टू
इसका इसका यूज कीजिए तो एन के जगह टेन लिखेंगे एस एन 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 टेन हुआ तो एन बाई टू टू ए प्लस टेन माइनस वन आई टू थ्री इज इक्वल टू 125 हो गया यहाँ हो गया आपको 5 यहाँ हो गया आपका 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125 5 से उधर डिवाइड कर लीजिएगा तो 9d टू ए प्लस 9d और 125 में डिवाइड कर लीजिए 5 से डिवाइडिंग बाई 5 वन बोथ साइड यहाँ जाएगा आपका 25 डिवाइडिंग बाई 5 वन बोथ साइड तो आपका यहाँ हो गया इक्वेशन नंबर 2 इसको सॉल्व कीजिए फॉर्म टू फॉर्म टू टू ए प्लस 9d इज इक्वल टू 25 एंड टू फॉर्म टू एंड टू इन टू टू कर लीजिए इसमें टू से मल्टीप्लाई टू ए हो गया आपका प्लस 4d प्लस 30 कोफिशिएंट बराबर करना है ये आप पढ़ लिए हैं लाइन सिमल्टेनियस लाइन इक्वेशन में सॉल्यूशन उसके जैसा तो यहाँ 200 मल्टीप्लाई कर लिए ये मिल गया आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सब्ट्रैक्टिंग वी गेट ये पेंसिल हो गया यहाँ हो गया आपको 5d ये हो गया आपको माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 1 मिला d इज इक्वल टू आपको मिल गया माइनस 1 ठीक है अब आपको सम निकालना है टर्म निकालना है टेंथ टर्म निकालना है डी मिल गया आपको माइनस वन और फॉर्म वन से आप ए निकाल लो फॉर्म वन उसमें डी का मान दे दीजिए ए प्लस टू डी टू इंटू माइनस वन टू इंटू माइनस वन इज इक्वल टू 15 तो ए हो गया आपको ए हो गया आपको माइनस टू उधर चल जाएगा 17 आ जाएगा ए सेवेंटीन तो आपका 10th term, A10 हो गया आपका A plus N minus 1 into D का formula से A हो गया आपका 17 plus N minus 1 into D1 minus 1 17 plus 10 minus 1, 9, minus 9, is equal to 8. Answer हो गया आपका D, minus 1, और 8, ये आपका answer हो गया. ठीक है, इस तरह से सॉल्व कीजिए. तब पे चलिए
दो क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिए हैं, अब जितने भी क्वेश्चन हैं सब ये दोनों क्वेश्चन के सिमिलर है, आप कोशिश करोगे बनेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताते हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 इसके जैसा ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ हैप्पी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636 क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दी एपी 9, 17, 25 dot, must be taken to give a sum of 636. तो आप चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया आपका, फ्रॉम गिवन एपी, फ्रॉम गिवन एपी गिवन एपी जो आपको यहाँ दिया हुआ है, ए हो गया 9, बी हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 17 - 9 = 8, बी और एस एन हो गया 636, नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालना है इक्वल टू हार्ट। तो आइए फॉर्मूला में एस एन इक्वल टू होता है आपको, चलिए यहाँ से सिंस SN इज इक्वल टू 636 तो हम यहाँ फॉर्मूला डाल देंगे, n by 2 2a, ये फॉर्मूला से 2a है फर्स्ट टर्म, a है a is 9, तो हम यहाँ लिखेंगे 29 प्लस n - 1, n इज नॉट नोन, d इक्वल टू 8, 636। ठीक है, तो आप चलाइए यहाँ पर 9 by 2 18 प्लस यहाँ भी आपको n - 1 into 8 = 6, 636। इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों साइड में, आपको ट्रांसपोज कर लीजिए राइट साइड में, तो हो जाएगा 18n, और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18n
plus L minus 1 into at n minus 8, at n minus 8 into n r is equal to 9 by 72. इतना हो गया आपको ठीक है आप आ जाइए अब इसमें 18n प्लस 18n स्क्वायर माइनस 18 प्लस 72 12 72 is equal to 18 square plus 10n minus 12 72 is equal to 0. अब ये आपका मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा चलिए तो अब इसको अप्लाई करते हैं डिजिट टर्म को 18 स्क्वायर प्लस अब यहाँ पर आप कैसे कीजिएगा ये थोड़ा गौर कीजिए आपको इसमें 2 से आप डिवाइड कर लो आप थोड़ा छोटा बना लेते हैं 2 से 2 कॉमन फैक्टर है 8n 8n 2 से डिवाइड करेंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n और फिर ये आ जाएगा 636 इज इक्वल टू 0 अब हम इसका दो फैक्टर निकालेंगे जिसको ऐड करने से इतना आता हो अब हम देखते हैं 48 और 53 का मल्टीप्लिकेशन 43 636 2, 3, 1, 8, 2, 15, 9 देख रहे हो 2 2 4 12 और एक यहाँ 4 बचा हुआ है 4 भी लेंगे तो हमको ये 4 जो है 4 से मल्टीप्लाई भी करना है तो 4 को तो छोड़ते हैं तो 53 हो गया 4 4 16 और 3 48 तो आपको यहाँ पर आ जाएगा ये पॉजिटिव रखना है तो 4n स्क्वायर 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0 ठीक है
यहाँ पर आपका हो गया यन यन इंटू फोर यन प्लस 53 और यहाँ हो गया 50 यन है 12 यहाँ लीजिए 4 यन 53 4n plus 53 into n minus 12. This is the equation n is equal to 0. 4n plus 53, 0. N minus 12, 0. This is the equation minus 53 by 4. Neglect कीजिए मान पॉसिबल नहीं है तो यह इसका तो स्कोर आपका सही मान हो गया ठीक है क्या निकालना है इसमें इसमें निकालना है हम एन तो एन आपका 12 आता है एन इसका तो 12 यही आपका आंसर हो गया ठीक है अब इस वीडियो में इतना तक ही नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू